हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बीटेक बी फार्मेसी फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यार आपको पता ही है कि अभी और सेमेस्टर चल रहा है और सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नवम्बर दिसंबर मंथ में स्टार्ट होते हैं और एटलीस्ट मिड दिसंबर तक ख़त्म भी हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं विथ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। साथ के साथ दोस्तों, आपको ये भी पता है कि इसी साल आपके चुनाव होने हैं, जो कि विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर मंथ में कंडक्ट किए जाने हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग के एग्जामिनेशन कब होंगे, कोई बोल रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं, कोई बोल रहा है कि हम लोग के एग्जामिनेशन जनवरी में होंगे, कब होंगे? क्योंकि दोस्तों, जब भी चुनाव होता है तो यही होता है कि आपके एग्जामिनेशन चुनाव के पहले कर दिए जाते हैं या फिर चुनाव के बाद कर दिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो चुनाव का प्रोसेस होता है, पोलिंग, काउंटिंग, मतदान, सब कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूआईटी वगैरह में, सभी जगह पे ये चुनाव का प्रोसेस होता है। इसलिए दोस्तों, एग्जामिनेशन को चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव का जो प्रोसेस है वो डेट वगैरह फिक्स हो चुकी है, आपको सामने दिख रहा होगा। हर बार नवंबर में वोटिंग, साल 2023 18-13 आपको दिख रहा होगा। आचार संहिता लागू 9 अक्टूबर 2023 से आचार संहिता चालू हो गई है, मतलब कि आज से। और जो मतदान है वो 17 नवंबर को होना है, जो कि दोस्तों एक ही फेज में मतदान होना है इस बार मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जो कि ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईटीआई वगैरह या फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में यह प्रोसेस होता है, जिसके कारण दोस्तों हो सकता है आपके एग्जामिनेशन 17 नवंबर के पहले कंडक्ट किए जाएं या फिर 10 दिसंबर के बाद। क्योंकि दोस्तों, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है इलेक्शन का, तब तक एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, जो रिजल्ट आना है इलेक्शन का इस बार का, वो 10 दिसंबर को आना है। इसीलिए दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन 17 नवंबर के पहले हों या फिर 10 दिसंबर के बाद से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई है, हालांकि इससे रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।